बॉलीवुड में करण जौहर और आलिया भट्ट का सिक्का चलता है। आलिया भट्ट और करण जौहर जिसे चाहे स्टार बना दे, जिसे चाहे इंडस्ट्री से बाहर फिकवा दे, लेकिन मैं अपने दम पर आई हूँ, मैं करण जौहर से नहीं डरती हूँ। ये कहना था दिव्या कुमार कौंसला का। करण जौहर के बारे में आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पूरी खबर क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है बॉलीवुड न्यूज 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दिव्या कुमार कौंसला ने बोला कि इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ करण जौहर का ही सिक्का चलता है। करण जौहर एक ऐसे अदाकार हैं जिसने काफी सारे लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग करण जौहर की वजह से डिप्रेशन में चले गए, काफी सारे लोग खुदकशी कर चुके हैं और काफी सारे लोग इंडस्ट्री से बाहर जा चुके हैं। अब आलिया भट्ट भी इनकी मैनिपुलेटिंग में शामिल हो गई है। आलिया भट्ट और करण जौहर मिलकर जिसको चाहे इंडस्ट्री से बाहर फिकवा दे, जिससे चाहे इंडस्ट्री में इन करवा दे। और दिव्या कुमार कौंसला ने यह भी बोला कि आलिया भट्ट के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि उनकी फिल्म जिगरा इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि आलिया भट्ट ने उनकी फिल्म सभी की कहानी को चुरा लिया था। अब जो मुकेश भट्ट हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मुकेश भट्ट आलिया भट्ट के चचा हैं, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है, मैं आलिया भट्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। दिव्या ने ये भी बोला कि करण जौहर अब मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। करण जौहर के बारे में दिव्या अब खुल के सामने आ गई हैं। दिव्या ने ये बोला कि मैं इसलिए बेवकूफ कहलाई जा रही हूँ क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में एक दफा फिर से करण जौहर को एक्सपोज किया है, करण जौहर का काला चेहरा एक्सपोज किया है। करण जौहर के बारे में कंगना रनावत ने भी सबसे पहले करण जौहर को एक्सपोज कर चुकी है और इंडस्ट्री में काफी बार करण जौहर के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हैं और बहुत सारी अदाकाराएं हैं जो करण जौहर पे नेपोटिज्म का इल्जाम लगाती हैं। और आलिया भट्ट के बारे में दिव्या ने ये बोला कि आलिया भट्ट एक स्टैब्लिश स्टार हैं, उनको मेरी कहानी नहीं चुरानी चाहिए थी और आलिया भट्ट जितनी ज्यादा करण जौहर के करीब हैं बिल्कुल करण जौहर जैसा ही उन्होंने जहन पाया है और इंडस्ट्री में बहुत सारी अदाकाराओं के ये खिलाफ हैं और ये दोनों मिलके मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दीपिका पादुकोण के लिए मैनिपुलेट किया और बहुत सारे आउटसाइडर हैं। मैं तो इंडस्ट्री में अपने दम पर आई हूँ, लेकिन आलिया भट्ट और करण जौहर बहुत सारे आउटसाइडर्स के साथ ये कैसे सलूक करते हैं ये तो आप सब लोगों के सामने है। वेल, आलिया भट्ट के बारे में बात की जाए तो उनकी फिल्म जिगरा बुरी तरह से फ्लॉप हुई है और दिव्या के बारे में करण जौहर ने एक स्टोरी लगाई है अपने इंस्टा पेज जिसमें उन्होंने ये बोला है कि दिव्या एक बेवकूफ है और करण जौहर के बारे में दिव्या ने बोला कि मैं आउटसाइडर्स के बारे में सोच के परेशान हूं कि आखिर ये आउटसाइडर्स के साथ कैसा सलूक करते होंगे। वेल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, दिव्या के ख्यालात के बारे में क्या ख्याल है और करण जौहर के प्रोडक्शन के बारे में क्या ख्याल है, अपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉलीवुड न्यूज 21।